हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाइथन सीरीज़। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन कांस्टेंट के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि पाइथन में कांस्टेंट क्या होता है और इसे कैसे डिफाइन करते हैं। अ कांस्टेंट इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट आपका एक तरीके का वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ हेल्पफुल टू थिंक ऑफ कांस्टेंट्स एज कंटेनर्स दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी चेंज लेटर। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कांस्टेंट आपका एक तरीके का कंटेनर है जिसमें हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं और इसकी वैल्यू का बाद में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हाउ टू असाइन वैल्यू टू कांस्टेंट। कांस्टेंट में हम लोग वैल्यू कैसे असाइन करते हैं? इन पाइथन कांस्टेंट्स आर इजीली डिक्लेयर्ड एंड असाइन इन अ मॉड्यूल। पाइथन में हम लोग कांस्टेंट को मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर करते हैं और वहीं पर उसकी वैल्यू को असाइन करते हैं। हेयर द मॉड्यूल इज़ अ न्यू फाइल कंटेनिंग वेरिएबल्स फंक्शंस एट्सेट्रा। मॉड्यूल आपकी एक तरीके की फाइल होती है जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या फिर कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। Inside the module, constants are written in capital letter and underscore separating the words. Constant में हम लोग जो भी नाम define करते हैं वो capital letter में होना चाहिए, plus अगर हमारे constant का नाम एक word से ज़्यादा का है तो हमको हर word को separate करने के लिए underscore का use करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस example में, एक file create की गई है जिसका नाम है constant.py, जिसके अंदर हम लोगों ने दो constant define किए हैं, pi और gravity। फिर उसके बाद इन कांस्टेंट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने एक फ़ाइल क्रिएट की है जिसका नाम है main.py, जिसके अंदर हमने इस कांस्टेंट वाली फ़ाइल को इंपोर्ट कराया है यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। उसके बाद इन कांस्टेंट्स के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने क्या लिखा है, constant.py और constant.gravity। चलिए मैं आपको इस एग्जांपल को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने VS Code सॉफ्टवेयर पर। इसमें हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम दे देंगे myconstant.py। एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम दे देंगे main.py। अब हम लोग अपने कांस्टेंट वाली फ़ाइल में कुछ कांस्टेंट्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे ईमेल _ID। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्लाइड में कि कांस्टेंट का नाम हमेशा कोशिश करिए कैपिटल लेटर में हो, और अगर आपके कांस्टेंट के नाम में जो वर्ड्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो आपको हर वर्ड को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो कांस्टेंट का नाम डिक्लेयर किया है वो है email ID इक्वल टू वैल्यू असाइन करेंगे इसके अंदर हम लोग digitaleducomp@gmail.com। इसी तरह से वेबसाइट ले लेता हूँ मैं, इसमें हम लोग वैल्यू पास करेंगे .digitaleducomp.com। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर ले लेते हैं यहाँ, mobile_number इक्वल टू 9792775775। अब हम क्या करेंगे, इन कांस्टेंट की वैल्यू को इस मेन वाली फाइल में एक्सेस करेंगे। तो कांस्टेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके पहले हम अपने कांस्टेंट वाली फ़ाइल को इंपोर्ट करा लेंगे। हमारी फ़ाइल का नाम है माई कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माई कांस्टेंट। इसके बाद प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो फाइल है हमारी, इस फाइल का नाम कॉल करेंगे माई कांस्टेंट डॉट, अपने कांस्टेंट का नाम कॉल करेंगे email ID। इसी तरह से नेक्स्ट माई कांस्टेंट डॉट वेबसाइट, नेक्स्ट माई कांस्टेंट डॉट मोबाइल नंबर। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब इसको रन करा के देख, रन कराने के लिए हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग कमांड लिखेंगे पाइथन, इसके बाद अपनी फाइल का नाम mains.py और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए हमारी सारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो देखा आपने किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट किया। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने एक नई फाइल क्रिएट की जहाँ पे हमने कुछ कांस्टेंट्स को डिक्लेयर किया है और उनकी वैल्यू असाइन की है। इसके बाद इन कांस्टेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने अपने कांस्टेंट वाली फ़ाइल को इंपोर्ट कराया है बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड, और उन कांस्टेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने अपने फाइल का नाम लिखा है डॉट, उन कांस्टेंट का नाम हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो इस तरह से आप अपने कांस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पाइथन में कांस्टेंट का कोई यूज़ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप पाइथन में कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसा कि आप अदर लैंग्वेज में देखते थे कि वहाँ पे अगर हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाते थे तो हम उसकी वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते थे, पर पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में अगर आप कांस्टेंट बना रहे हो तो आप उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, जिसकी वजह से कांस्टेंट का यूज़ पाइथन के अंदर नहीं है।
फिर भी कॉन्स्टेंट का फील लेने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यू ऐसी भी होती है जिनकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ती रहती है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम उन वैल्यू को स्टोर करके रख लेते हैं अपने कॉन्स्टेंट के अंदर और उनको यूज़ करते रहते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हम लोग किस तरह से अपने कॉन्स्टेंट की वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर की वैल्यू को चेंज करना है मुझे, तो मैं यहाँ लिखूँगा माई कॉन्स्टेंट डॉट मोबाइल नंबर इक्वल टू मोबाइल नंबर पास कर देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, सेव कर लेते हैं इसको। अब मैं अपने मोबाइल नंबर को प्रिंट करा के देखता हूँ, माई कॉन्स्टेंट डॉट मोबाइल नंबर, सेव करते हैं फाइल को और दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले मोबाइल नंबर को कमेंट कर देता हूँ जिससे इसका रिजल्ट शो ना हो नीचे, और अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो चुका। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने समझा कि पाइथन में कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको डिक्लेयर करते हैं, किस तरह वैल्यू असाइन करते हैं और किस तरह से हम कॉन्स्टेंट की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे हम लोग अपने कॉन्स्टेंट की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।